नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और हम कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी। यदि आप YouTube पर ये वीडियोस देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारे एप्लीकेशन में हैं जो कि प्ले स्टोर से आपको फ्री मिलता है, तो आपको एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 में ये सेक्शन मिल रहा होगा जहाँ हम दोनों बोर्ड परीक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए आपकी कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी तंत्र, और यहाँ पर जो है आज हम बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्नों की। आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में जो है हम बात करेंगे। ये सीरीज़ कौन सी है, ये PYQ की सीरीज चल रही है, और यहाँ हम परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। यदि आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है कि ऑप्टिक्स से जुड़े हुए हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन देखना है, तो एक तो मेरी कुछ वीडियोस आपको YouTube पर हमारे ही प्लेटफॉर्म में अपलोडेड नज़र में आ जाएंगी। इसके अलावा यदि आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन क्षमता परिकलित कीजिए। कब का प्रश्न है भैया? 2019 का प्रश्न है। पहला प्रश्न हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बनाने के लिए हमको इस प्रकार से चित्र बनाना पड़ता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये है हमारा पोल, और उसके बाद में जो है यहाँ पर हमको फोकस दूरी मिलती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र मिलता है, और चित्रों के लिए जो है हम क्या क्या देखते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा नियम परिपाटी देखते हैं। यहाँ पर जो भी वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है या फिर मुख्य अक्ष के दाईं ओर है, ये दोनों जो है धनात्मक नापे जाते हैं, और कोई भी वस्तु जो मुख्य अक्ष के नीचे रखी हुई है या फिर वह मुख्य अक्ष के बाईं ओर है, इन्हें हम ऋणात्मक नापते हैं। सारा मापन कहाँ से किया जाता है? वक्र यहाँ पर जो है पोल से किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, और ये है कि वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया है। R का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। R का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि F बराबर R बटा 2, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमको ये देखना है कि फोकस बिंदु जो है ये यहाँ पर है, और हम यहाँ से जो है अगर मापन चालू करते हैं तो ये बाईं ओर पड़ता है, इसलिए फोकस बिंदु का मान, F का मान जो है ऋण 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भी हम वस्तु को रखते हैं, वस्तु को हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर रखा है, 4 सेंटीमीटर रखा है, मतलब यहाँ मान लेते हैं आपको वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु का भी जो है, जब भी हम किसी दर्पण के सम्मुख वस्तु रखते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक गिनती होती है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर जो U का मान हो जाएगा वो ऋण 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो U का मान हम लोगों ने ले लिया ऋण 4 सेंटीमीटर। अब हमसे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है इस बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हम लोगों से पूछा गया है पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसमें डब्बा लगा दीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता जो है मतलब कैसी है, तो यहाँ पर जो है आवर्धन के बारे में जो है हमको बात करना पड़ेगा भाई, आवर्धन क्षमता के बारे में। और उसके बाद में प्रकृति जो है हमको यहीं से पता चल जाती है, यदि M धनात्मक मिलता है तो ये कैसा है, यदि M धनात्मक मिलता है तो ये जो है अवास्तविक यानी कि आभासी प्रतिबिंब है, और M यदि ऋणात्मक मिलता है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब है। अब आइए देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गुणा भाग क्या करना है। सबसे पहले हम जो है बनाएंगे क्या, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र में जो है क्या बातें हमारे पास में हैं, ये देखिए। दर्पण सूत्र कहता है कि 1/V धन 1/U बराबर 1/F। यहाँ पर जो है हमको V निकालना है, इसलिए हम लोगों ने V को एक तरफ रखा, और 1/V बराबर 1/F ऋण 1/U। यहाँ पर जो है हम मान डालेंगे, तो F का मान हम लोगों ने क्या देखा था, F का मान ऋण 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है F का मान और U का मान डाल देते हैं। चलिए, तो F का मान है यहाँ पर 1/ऋण 5 सेंटीमीटर, ऋण U का मान है ऋण 4 सेंटीमीटर।
यदि जो है हम यहाँ पर जो है इन चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा एक बटा चार ऋण एक बटा पाँच। अब देखिए क्या ये हर जो है बराबर हैं? नहीं है। और ऐसा कोई सा भी भिन्न जिसके हर बराबर ना हो उन्हें हम जोड़ या घटा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे इनका जो है हम लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालेंगे। इनका गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाता है 20। अब यहाँ मान लेते हैं इसको 20 बनाना है तो हम जो है ऊपर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर गुणा 5 और गुणा 5 कर देंगे तो ये 5/20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे 5 ऋण। यहाँ पर देखिए अगर हम जो है यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा गुणा 4 और गुणा 4 करने से ये भी 20 बन जाता है तो यहाँ पर ऋण 4 आ जाएगा। तो अब हमको 5 में से 4 गया मतलब यहाँ पर 1/20 मिलता है। और ये 1/20 जो है पहली बात तो यह है कि धनात्मक है और ये मान है किसका, ये 1/V का मान है। तो 1/V का मान यदि 1/20 हो तो हमको मिल जाता है यहाँ पर V का मान 20 सेंटीमीटर। हम लोगों ने ये बातें समझी। अब जो है आवर्धन क्षमता के लिए जो है हमको अगला सूत्र लगाना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता मतलब जो है M का मान होता है ऋण V/U। अब यहाँ पर मान डालेंगे तो ऋण चिन्ह जो बाहर लगा है वो, और V का मान है 20 सेंटीमीटर और उसके बाद में U का मान है ऋण 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए हम उसे काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है, ऋण से ऋण कटेगा और उत्तर आ रहा है 5। ये M का मान हो गया और ये कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ पर अगर आपको धनात्मक मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम इस चित्र में भाई अगर इस चित्र में जो है हम रे डायग्राम बनाएंगे तो रेखा चित्र बनाने पर जो है हमको क्या नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर जो है एफ से होकर जाने वाली किरण और ये जो है हमको इस तरीके से प्रतिबिंब दिखाई देगा और यह प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और 5 गुना बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने एक बार सूत्र की स्थापना की और सूत्र का जो है सही उपयोग समझा। अब इसके बाद में आने वाले प्रश्नों में हम सीधे सीधे सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो मोमबत्ती तो ये हो जाएगा U और इसका मान हो जाएगा ऋण 10 सेंटीमीटर, आपको कारण पता है। इसके बाद में दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर है इसलिए जो है F का मान हो जाएगा R/2 और यहाँ से 5 सेंटीमीटर आता है लेकिन F जो है ऋणात्मक होता है और इसलिए यहाँ पर ऋण 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है तो हमको निकालना है V और V के लिए जो है हम प्रश्न चिन्ह लगा करके इसका डब्बा बना देंगे ताकि हमको समझ में आए। फिर प्रकृति निकालना है और आवर्धन ज्ञात करना है तो M का मान भी हम प्रश्न चिन्ह बनाकर डब्बा बना देंगे। ये हमको दी हुई जानकारी है। अब जो है हम दर्पण सूत्र लिखेंगे तो दर्पण सूत्र लिखने से जो है हमको क्या मिलता है, 1/V ऋण 1/U 1/F और यहाँ से जो है 1/V 1/F ऋण 1/U। अब यहाँ पर जो है हम मान डालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/V का मान हो जाएगा 1/5 ऋण 1/10। यही जानकारियाँ हम लोगों ने लिख रखी हैं। ये धनात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए, अब यहाँ जो है 5 में अगर मैं ऊपर और नीचे गुणा कर दूं 2 का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिला 10 और यहाँ हो जाएगा 1 और धन 2 तो यहाँ पर जो है V का मान हो जाएगा अच्छा यहाँ पर एक मिनट देखते हैं देखिए ये 2 और यहाँ पर जो है ये ऋणात्मक है और 1/10
ये हमको मिला, तो इससे जो है हमको एक बटे वी का मान मिल जाता है एक बटा ऋण दस, या फिर वी का मान मिल जाता है ऋण दस। अब यहाँ से जो है हमको क्या मिलेगा, हमको आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है, एम बराबर ऋण वी बटा यू, और यहाँ पर हो जाएगा ऋण ऋण दस बटा ऋण दस, और एम का मान हमको मिल गया ऋण एक। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वस्तु का जो है, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की जो है का आकार एक बराबर होगा, और यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे तो V क्योंकि हमको ऋणात्मक मिला हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उसी दिशा में बनता है जिस दिशा में हम लोगों ने वस्तु रखी है, मतलब दर्पण के बाईं ओर। तो ये एक प्रश्न हो गया। अब अगला, अच्छा ये प्रश्न जो है 2019 में ही पूछा गया था, और अगला प्रश्न भी तीसरे सेट में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर मतलब जो है U का मान हो गया ऋण 12, U का मान हो गया ऋण 12 सेंटीमीटर। फिर F का मान क्या हो जाएगा, देखिए वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब फोकस बिंदु जो है ऋण 5 सेंटीमीटर होगा। हमको निकालना है V, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बनाकर डब्बा बना दिया, और हमको निकालना है M, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह बनाकर डब्बा बना दिया, और इसके साथ साथ हमको उसकी प्रकृति के बारे में भी बात करनी है। यदि आप लोगों ने पिछले दो प्रश्नों पर ध्यान दिया है तो आप बिल्कुल सक्षम होंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस प्रश्न का आपको क्या उत्तर मिलता है, और जो भी जो है पहले 10 उत्तर होंगे उन पर मैं हार्ड बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए कि 60 अंश के कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा, मतलब प्रिज्म कोण, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए का मान हो गया 60 अंश, और न्यूनतम विचलन कोण का मान मतलब डो का मान हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 60 अंश है, ठीक है। अब जो है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, हमें पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन डो प्लस ए बाय टू, और डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। अब यहाँ पर जो है जब हम मान डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 60 धन 60 बटा दो, और यहाँ हो जाएगा साइन 60 बटा दो, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमको फाइनल उत्तर मिलता है साइन 60 बटा साइन 30। अच्छा साइन 60 का मान क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे मान होते हैं जिसका जो है हमको साइन कॉस टेन के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड मान है जिनका हमको पता होना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाकर रखा हुआ है। यदि आपको जो है ये टेबल याद रखने में कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करके एक वीडियो है, आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप या तो उसे देख लीजिए मूल गणितीय अवधारणा, और वहाँ से जो है आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ से बाई टू और बाई टू कट जाएगा, और हमको जो है म्यू का मान मिल जाएगा √3। क्या इसकी कोई यूनिट होती है, तो इसका उत्तर है कि यह एक शुद्ध संख्या है, इसका जो है कोई इकाई नहीं होती है। इस प्रकार से हमको जो है म्यू का मान यानी कि अपवर्तनांक का मान पता चल गया। 2020 में पूछा गया है प्रश्न है, और हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो किसी 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस, मतलब जो है यहाँ पर, अब भाई उत्तल लेंस कैसा होता है, ये जो है उत्तल लेंस होता है, और 25 सेंटीमीटर के अवतल लेंस यानी कि ये होता है अवतल लेंस। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका जो फोकस दूरी है, तो आप बताइए कि इसकी जो फोकस दूरी, भाई यहाँ पर प्रकाश को आप भेजेंगे तो यहाँ जाकर जुड़ेगा, मतलब फोकस दूरी यहाँ पर जो है 20 सेंटीमीटर, ये धनात्मक है, जबकि यहाँ पर आप अगर समतल प्रकाश भेजते हैं तो यह अपसारित होगा, अभिसारित होगा, और यहाँ पर आपको फोकल लेंथ मिलेगा, मतलब यहाँ पर F1 का मान और ये F2 का मान जो है ऋण 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संयोजन से बने संयुक्त फोकल लेंस की दूरी क्या है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको सूत्र पता है, एक बटा एफ बराबर एक बटा एफ वन धन एक बटा एफ टू। यहाँ पर अगर हम मान डालते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर जब हम मान डालेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा बीस और ऋण एक बटा पच्चीस। अब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो है जो हर है वो जो है बराबर नहीं है, और इन हरों को जब तक बराबर नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम इसमें जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हम लोगों ने या तो एलसीएम निकाला या फिर ऐसी कोई संख्या सोची। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से संख्या सोचें तो यहाँ पर अगर आप पाँच बटा पाँच का गुणा करें और यहाँ पर अगर आप चार बटा चार का गुणा करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा पाँच बटा सौ, पाँच बटा सौ ऋण चार बटा सौ। और इस प्रकार से जब आप निकालेंगे तो आपको जो है f का मान मिलेगा एक बटा सौ। ये जो है एक बटा f का मान है, और इस तरीके से f का मान हो गया आपको f बराबर सौ सेंटीमीटर। और सौ सेंटीमीटर का जो फोकल लेंथ है कैसा है, धनात्मक है, और धनात्मक होने के कारण यह संयोजन जो है कैसा होगा, अभिसारी होगा। अभिसारी का मतलब नहीं, अपसारी होगा क्योंकि वो इकट्ठा कर रहा है इसी प्रकार से। तो ये अपसारी और ये अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ये चीज़ें समझ ली, ये जो है बाईफोकल मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। और इसी तरीके के और भी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। 2021 का ये प्रश्न था और आप इस प्रश्न में जो है 3 नंबर पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए जो है जो सही तरीका है वो क्या है, आप पहले प्राप्त जानकारी लिखें, उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है ये लिखें, फिर सूत्र लिखें, और सूत्रों के बाद में जहाँ तक हो सके सबसे आखिरी में ही जो है आप अपने आंकिक मानों को उसमें डालने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में और भी आंकिक प्रश्न देखने वाले हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।